चींटी, ए चींटी, ए चींटी, हाँ ये चींटी है। देखिए ये चींटी है जो अभी हमारे सारे गुजिया खा चुकी है। अब इस चींटी को हम खिलाएंगे बर्फी बना के अभी थोड़ी देर में। हाँ, ये चींटी क्या कर रही है? अच्छा, आटा गूंद रही है। आटा गूंदा चलो ठीक है, है। तुम आटा गूंदो भैया, आवाज आएगी, मैं बंद करता हूँ इसे। हाँ ठीक। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पति देव आपका स्वागत करता है। और अब हमारे यहाँ क्या हुआ, एक जो बड़ी चींटी है वो सारा हमारे गुजिए खा चुकी है। तो उस चींटी को चढ़ाने के लिए अब कुछ नई हमें कुछ चीज बनानी होगी। तो आज हमने सोचा कि चलो अंदर गुड़ पड़ा है, गुड़ है, नारियल है, तो चलो कुछ हेल्दी मिठाई बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी गुड़ के साथ। ठीक है, तो चलिए आज वो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले नारियल और गुड़ की बर्फी बनाने के लिए क्या चाहिए? नारियल और गुड़। अभी इतना बड़ा एक पीस है, यहाँ पे ना बड़ी बड़ी डेलियां आती इतनी बड़ी बड़ी। तो अब इसको मैं यही सोच रहा था कि तोड़ू कैसे, काटू कैसे। तो इसका मैंने एक देसी जुगाड़ सोचा है तो पैकेट बंद ही। अब देखिए इसे तोड़ने का सबसे आसान काम, ये और एक और बात, शायद अब टूट जाए। आहा, काम कर गया। देखिए मस्त चूरा हो चुका है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। तो इसको बढ़िया तोड़ो, ऐसे ही पैकेट पूरा इंटैक्ट है। अब मैं इसको खोल के और इसकी अब बना लूंगा मैं चार। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो ये देखिए हमने जो धूम धड़ाम करी उसका नतीजा आप देखिए क्या मस्त निकला। सारे टुकड़े हो चुके हैं बढ़िया से, और बस अब इन्हें पिघलाना भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालूंगा, इसकी चाशनी बना देता हूँ, और जितनी देर ये पिघलेगा उतनी देर साइड में अपना नारियल भून लेते हैं देसी घी में, मजा आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ मैं, पानी थोड़ा कम ही डालेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा वो पतली चाशनी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और गुड़ को वैसे ही पिघलने देते हैं अपना नेचुरल उसमें, ताकि थोड़ी जब बर्फी जब जमेगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम ना ले और थोड़ी मजबूती से जमे वो। तो हमने गुड़ की चाशनी तो बनानी शुरू कर दी है, मतलब गैस जला दी है, पानी थोड़ा सा डाल दिया है, आपने देखा ही होगा पानी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको, ये लीजिए थोड़ा सा ही है। ठीक है, और यहाँ अपनी गैस ऑन हो गई है दूसरी वाली। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा घी। घी डालो और जिंदगी मजे लो। ठीक है, ये घी डाल दिया हमने। अब इस घी के बाद डलेगा इसमें, जरा घी थोड़ा सा हो जाए गर्म, मतलब बहुत ऐसे धुएं नहीं निकालने इसके, थोड़ा सा वो ये इसलिए है कि थोड़ा सा इसमें चिपके भी ना बर्तन में। ठीक है, और अब इसमें हम इसको भूनेंगे नारियल को। ये तो नारियल का पाउडर ये यहाँ तो सीधा मिल जाता है बाजार में ना, ऐसे पैकेट मिल जाता है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत सूखा है इसमें, मतलब आ जाता है फ्लेवर ठीक ठाक। अब इसे हम डाल देते हैं। आज मैंने बहुत ही कम रखी हुई, बिल्कुल कम, सिंपल, नहीं तो तेज करेंगे तो जल जाएगा ये, फिर काली काली सी हो जाएगी ना बर्फी। छोड़ना नहीं कुछ भी, एक भी दाना सब भूलना नहीं। चलिए जी, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा हिलाना है, इसको हिला ऐसे हिला देना है, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है बस, कि एक जगह से वो काला ना हो जाए। ठीक है, और बाकी बस अभी यही करते हैं, थोड़ा जब हो जाएगी चाशनी फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हो रही है, आप देख रहे होंगे काफी, मतलब अभी ये इस तरह से झाग झाग से उठ रहा है। होने दीजिए, थोड़ा और गाढ़ा होने दीजिए ताकि अच्छे से जमे बाद में बर्फियाँ। ठीक है, पतला नहीं करना इस चाशनी को। और ये हमने इधर भून लिया है, अभी मैंने गैस बंद कर दी है कि ज़्यादा ब्राउन ज़्यादा ना हो जाए ये। ठीक है, और अब बहुत एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट लास्ट जो है वो ये है, ये आ गया आपका इलायची। तो मैं इलायची कूटूंगा, अगर आपके पास रेडीमेड पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है, वो डाल सकते हैं। अपने पास नहीं है तो कोई बात नहीं, पाउडर तो इससे बनता है, अभी डालता हूँ। ये जो हमने इलायची कूटी थी अभी, ये ऐसी रैंडमली आप डाल दीजिए। ठीक है भाई, थोड़ी डालनी है क्योंकि बर्फी हम इलायची की नहीं बना रहे, नारियल की बना रहे हैं, तो थोड़ी सी खुशबू के लिए है। ठीक है, इसे फिर थोड़ा सा मैंने गैस वापस चालू कर दी है हल्के से, ताकि
इलायची का भी फ्लेवर थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए गर्मी से। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। हाँ, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, वो मूवीज में जो दिखाते हैं ना ऐसे, वो सफेद सफेद पाउडर की लाइन सी बना के ऐसे ऐसे कुछ कार्ड से फिर वो करते हैं, उसमें क्या मजा आता होगा लोगों को पता नहीं। अरे ये इसका मजा लो, आहा, जिंदगी सफल हो गई, मजा। अरे मेरा तो बस चलता ना, मैं अगर मेरी रिक्वेस्ट मान लेते यूट्यूब वाले तो मैं कहता अरे सर आप इतना कुछ बना रहे हो, कुछ ऐसा करो कि मेरी ये जो यहाँ की खुशबू है ना फैल रही है बढ़िया, ये वहां पहुंच जाए। जैसे कहते हैं ना पहाड़ों के आप वीडियो देख रहे हो एक चीज है, और पहाड़ में खड़े होकर वहां की ताजी हवा ले रहे हो दूसरी चीज है। वैसे ही आप खाने का वीडियो देख रहे हो एक चीज है, और यहाँ पर खड़े हो जब आप कढ़ाई के सामने और बिल्कुल ऐसे ताजे ताजे जैसे कोकोनट कुकीज बन रहे हो ऐसी खुशबू आ रही है नारियल की, इसका कोई मुकाबला नहीं है भैया। तो चलिए हमारा ये बन चुका है, चाशनी आपको मैं दिखाता हूँ, इधर देखिए, ये देखिए चाशनी, ये देखिए ये हो गई बुलबुले मार रही है चाशनी फुल। अब बस इसे डालना है, इसे मैं छलनी के थ्रू डालूंगा ताकि गुड़ की गंदगी ना आए। तो अब ये मैं डाल रहा हूँ इसमें चाशनी, ठीक है, ये देखिए ये लगभग ऐसा लग रहा होगा रेवड़ी सी बन रही है ना, देखिए अच्छे से इसको निकाल लिया हमने। और ये अब ये कितने तार की है, तार कैलकुलेट करते रहिए भाई, मैं इसमें हाथ नहीं लगाने वाला, हाथ जल जाएगा मेरा। ठीक है, पर इस तरह से ही मैंने चाशनी डाल दी इसमें, ठीक है, बची कुची भी डाल देते हैं थोड़ा सा, एक आध बूंद पच रही है वैसे भी नहीं तो ये सिंक में जाएगी। चलिए बस अब हमें इसको आपस में मिला देना है ऐसे, और थोड़ा चला देना है, ठीक है, देखिए कितना आसान काम था ना। बस इसको इसी तरह से थोड़ा सा ऐसे ही पका देते हैं, हालांकि इसमें अब कुछ पकाने के लिए है नहीं, सब कुछ पका हुआ है, बस ये कि मिक्स एकदम ऐसे ठंडा ना हो जाए बीच में, तो थोड़ी देर ऐसे घुमा देते हैं बस। फिर ये जब हो जाएगा फिर इसके बाद मैं आपको पलटे हुए में दिखाता हूँ इसको, ठीक है। आई होप अभी तक तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा नहीं होगा आपको, बड़ा इजी काम है। चलिए बचा कुछ अभी करके दिखाते हैं। ये देखिए ये रेवड़ी बनती है ना जब गुड़ ऐसे खींच खींच के इसकी, ये वो बन चुका है एक्चुअली। अब इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये आजकल शेफ लोग करते हैं ना, इसको ऐसे सजाने के काम आते हैं ऐसे लंबे लंबे बना के ऐसे फाइबर्स टाइप के, वो बन सकता है इस तरह से। कभी आपको कोई चीज डेकोरेट करनी है थोड़ी देर में जम जाएगा। चलिए जी, तो ये बहुत ही आसान काम था। देखिए हमने सब चीज़ों को मिक्स करा थोड़ा थोड़ा गर्म टेम्परेचर पे, है ना, और ये अब ये निकल गया मसाला, ये देखिए बचा कुछ अब निकाल देते हैं। और बस अब इसको हमने जमाना है। अब ये मैंने यहाँ नीचे पॉलिथीन लगा दी है कि चलो यार चिपकेगा भी नहीं, आराम से निकल भी जाएगा इससे ना, फिर ये हो गया बस। अब इसको बचा कुचा माल भी क्यों छोड़े, लगाओ सब, ये हो गया, ठीक है जी। अब ये हो गया मेन काम हमारा, अब इसको हम शेप दे देते हैं थोड़ी। अब ऐसे तो अजीब से पहाड़ तो खाना नहीं है हमने, बर्फी खानी है, बर्फी जैसी बना देते हैं इसको हम, इसको हम ऐसे चिपका देंगे आपस में ना, फिर आप देखोगे थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक दिखने लगेगा। और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी ना, तो उसका भी देसी जुगाड़ ये है कि ऐसे कर लो, से गर्म हो रहा है हालांकि अभी, मगर चलो इस तरह से शेप आ जाएगी, और फिर उसको आप चिपका सकते हो जितना आपको मोटी बनानी है पतली बनानी है, जैसी शेप देनी है आप वैसी दे सकते हो। ये देखिए तो मैं इस तरह से ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, इधर से भी ऐसे आ जा भाई, आ जा मेरी प्यारी, ये हो गया, ठीक है। हाथ अगर जल रहे हैं, मेरे भी जल रहे हैं यार, मैं पहुँचा सुपरमैन ना, तो इससे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बेलन से अपने हिसाब से शेप दे दीजिए, ठीक है, मैं इसको बस ऐसे ही शेप देने वाला हूँ, ये हो गया इस तरह से।
बस अब इसको हम और थोड़ा सा शेप इन कर लेते हैं थोड़ा सा, और बस फिर थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, अभी हमने क्या कर रखी, नीचे से भी पॉलिथीन लगा रखी है और एक ऊपर से भी इस तरह से, ठीक है, ताकि भाई एक तो ऑप्शन था कि हमारे पास अगर कोई ऐसा सांचा होता जिसमें कि हम चौकोर उसमें रख देते इसको, तो बहुत ही अच्छी बात थी। अब नहीं है तो हमने ऐसी जुगाड़बाजी से अपने बना दिया इस तरह से। अब इसको हमने बस थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना। आप देख रहे होंगे शेप आ चुकी है, लगभग इतनी बड़ी बर्फी बन चुकी है ना, तो बस इसको अब हमने काटना है। जब ठंडा हो जाएगा तब काट लेंगे। बर्फी जम चुकी है, वक्त आ गया है काटने का। ओहो, तो हम ऐसे लग रहा होगा आपको हार्ड हो रही है थोड़ी, लेकिन एक्चुअली ना ये फिर बाद में सही इंटैक्ट रहती है ऐसे। ये हो गई, ओहो टूट गई थोड़ी सी, हो जाता है सभी, कोई बात नहीं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मिठास में कमी नहीं आएगी। तो चलिए जी, बर्फी बन चुकी है, भोग चढ़ा देते हैं अपनी चींटी रानी को, कहीं मतलब तो खराब हो जाए, भोग नहीं लगाएंगे। ले रे हले, मिर्ची लग रही है इसे, मैं मिठाई खिला रहा है, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, आंख में मिर्ची कैसे लग गई, मिर्ची हाथ। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता हो जाता। तो चलिए जी, आज हमने बना ली नारियल की और गुड़ की बर्फियां, और अपनी इच्छाधारी चींटी को हमने वो टेस्ट भी करा दिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार दोस्तों।